नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आपका स्वागत है आज की कक्षा में और आज हम पढ़ेंगे पाठ एक झूला तो आइए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई तो एक बच्चा मन में झूला झूलने की सोच रहा है और वो खुद तो झूला लगा नहीं सकता तो वो अपनी अम्मा यानी अपनी माँ को कहता है झूला लगाने के लिए तो कैसे कहता है आइए इस, तो, इस कविता को गाते हैं अम्मा आज लगा दे झूला अम्मा आज लगा दे झूला इस झूले पर मैं झूलूँगा इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा और इसके बाद इस इस लड़के की बहन भी आती है और वो भी गाती है झूला झूल रही है डाली झूल रहा है पत्ता पत्ता इस झूले पर बड़ा मजा है चल दिल्ली ले चल कलकत्ता और उसके बाद आगे फिर से बहन क्या गाती है झूला झूलते हुए झूल रही नीचे की धरती उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल रहा है रिम जिम रिम जिम उड़ कर मैं लूटू दल बादल। और इसके बाद आइए कविता सुनने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस पाठ में तो देखिए झूला झूला किससे बना झ से किससे झ से आपने केवल आवाज़ पर ध्यान देना है झूला में सबसे पहले कौन सी आवाज़ आई झ की तो झ को कैसे लिखते हैं ये तो हम सीखेंगे ही लेकिन पहले झ को जोकर की टोपी तो पहना दें तो देखिए ये झ लिखा है ठीक है और इसको कैसे टोपी पहनाई है है ना तो आप अपने अभिभावकों को कहें कि वो झ लिख कर दें आपको और आप उसको टोपी पहनाएंगे ऐसे ही सुंदर सी टोपी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब झूले ही झूले ठीक है तो बताओ इनमें से किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो क्या क्या बताया है यहाँ पर टायर है फाटक यानी दरवाज़ा है बहुत सी चीज़ें हैं है ना तो अब आपने बताना है इन सब चीज़ों में से ये जितनी भी चीज़ें थी इन सब चीज़ों में से आ, आपको ये जो प्रश्न है इनका आपने उत्तर देना है तो सबसे पहले मैं ही देता हूँ ठीक है तो मुझे किस पर झूलने में बहुत मजा आता है बीच में जो खाली जगह है ना बिंदु बिंदु यहाँ पर अपने हमने वो जगह लिखनी है वो चीज़ लिखनी है जिस पर झूलने में हमें बहुत ज़्यादा मजा आता है ठीक है तो मुझे तो भाई डाली पर झूलने में मज़ा आता है ठीक है और मुझे फाटक पर झूलने से डर लगता है और मुझे आ, मेज़ पर झूलने से डांट पड़ती है तो प्यारे बच्चों ये तो थी मेरी बात अब आप बताओ आपको क्या होता है तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है तो प्यारे बच्चों ध्यान से इन्हें देख लो ये जितने भी झूले हैं इन्हें तुमने झूला ज़रूर होगा अब तुम ये बताओगे कि इन्हें तुमने कहाँ पर झूला है और जहाँ जहाँ झूला होगा उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखोगे ठीक है तो आइए सबसे पहले देखते हैं डाली पे फिर है आ, सी सौ यानी के ऊपर नीचे वाला जो झूला होता है, है ना अप एंड डाउन उसके बाद टायर को बांध कर भी डाली पर कहाँ झूला है और ये देखिए घोड़ों पर है ना राउंड राउंड घूमता है ना गोल गोल तो सबसे पहले जो झूला है डाली वाला वो घर के आंगन पर झूला होगा है ना और दूसरा झूला कहाँ झूला होगा आपने ये झूला होगा आपने अपने स्कूल में है ना स्कूल में लगे होते हैं ना झूले अच्छा और अगर आपके स्कूल में नहीं है तो जब आपके स्कूल खुलेंगे तो आप अपने अध्यापक से कह सकते हैं कि वो आपके लिए इस तरह के झूले ज़रूर लगाएँ और दूसरा झूला ये भी घर के आंगन में तो अगर आप आपके आंगन में भी पेड़ की कोई डाली है तो अपने माता पिता को कहकर आप उस पर झूला बनवा सकते हो और उसके बाद ये जो झूला है ये तो आप सबको मनपसंद है कहाँ झूलते हो इसको मेले में बहुत बढ़िया लेकिन इन झूलों को झूलते समय सावधानी का विशेष ध्यान रखना है ताकि कोई दुर्घटना न घटे और आपको ना लगे चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और झूलों को देखते हैं ये वाला झूला कहाँ देखा होगा आपने और भला ये वाला और ये वाला तो बहुत मनपसंद होगा आप सभी का है ना गोल गोल घूमने वाला तो जो ऊपर वाला है वो आपने देखा होगा बगीचे में देख रहे हैं ना बगीचा है और बगीचे में पेड़ की डाली पर बांधा हुआ है और उसके साथ जो ये दूसरा है ये भी आपके स्कूल में ही आपने झूला होगा और जो ये तीसरा झूला है ये मेले में झूला होगा बहुत बढ़िया अब ये एक चित्र यहाँ पर आपके सामने है और आपको बताना है कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है अब आप सोचेंगे कि हम क्या बताएं क्या ना बताएं हमें कैसे पता चलेगा तो चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ सबसे पहले इस चित्र में आप देख रहे हैं स्कूल का एक कमरा है, है ना उसके बाद आप देख रहे होंगे दो बड़े पेड़ भी हैं यहाँ पर है ना एक पेड़ का सिर्फ तना दिख रहा है और दूसरे के तने के साथ साथ कुछ पत्तियाँ भी लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं और क्या है और क्या है स्कूल को सुरक्षित रखने के लिए एक चार दीवारी भी है बहुत बढ़िया अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं कौन कौन सा खेल खेल रहे हैं इस चित्र में और क्या क्या है ये आप बताओगे और कमेंट बॉक्स में भी लिखोगे आ, एक और चित्र पर चर्चा करते हैं ठीक है लेकिन इस बार मैं कुछ नहीं बताऊंगा इस बार आपको जो जो दिख रहा है वो आप ही बताओगे और इस चित्र में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं वो भी आप ही बताओगे इतना ज़रूर है मैं आपको बता दूं इस चित्र में कुछ बच्चे खेल रहे हैं कुछ पानी निकाल रहे हैं कुछ छुपे भी हुए हैं एक दूसरे को ढूंढने का खेल चला है क्या कहते हैं आपकी स्थानीय बोली में इस खेल को मेरी स्थानीय बोली में तो इसे छप्पन छपाई कहते हैं आप भी जरूर लिखिए आपकी स्थानीय बोली में इसे क्या कहते हैं आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली गतिविधि अब आपको मिलान करना है चित्र का शब्द के साथ तो देखिए सबसे पहला चित्र है पेड़ का तो पेड़ को ये लीजिए मैंने आपके लिए मिला दिया ये है पेड़ और दूसरा चित्र है यहाँ पर गठरी का तो गठरी को भी मैंने आपके लिए मिला दिया ठीक है और तीसरा है ठेला और चौथा है क्या है चौथा जी हाँ आपका मनपसंद झूला बहुत बढ़िया अब आप भी इन्हें मिलाने का प्रयास करेंगे ठीक है बच्चों अब इसके बाद खाली जगह भरो और छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ देखिए चित्र बनाने में तो आपको आपसे ज्यादा माहिर कोई नहीं हो सकता जैसे भी आप बना सकते हैं आप बनाएं टेढ़े मेढ़े छोटे बड़े जैसे मर्जी चित्र मैं बस आपको इसका थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ ठीक है जैसे देखिए पेड़ के पीछे छिपा जा सकता है ना तो यहाँ पर पेड़ लिखना है खाली जगह पर जैसे अगले आगे अगले स्थान पर आप देखेंगे मेज़ के नीचे छिपा जा सकता है तो मैंने मेज़ लिख दिया इसके बाद पलंग के भी नीचे ही छिप सकते हैं ऊपर तो हर कोई देख लेगा है ना और झाड़ी में कहाँ छिप सकते हैं इसके पीछे तो अब आपको झाड़ी के पीछे बच्चों का या एक बच्चे का भी चित्र बना सकते हो आप मेज़ के नीचे बनाना है पेड़ के पीछे बनाना है और पलंग के नीचे आइए अब जैसे मैंने आपको एक खेल बताया था ना छप्पन छपाई वैसे ही एक और खेल होता है पकड़न पकड़ाई इसमें हम एक दूसरे को पकड़ते हैं लेकिन यहाँ हम शब्द से चित्र को पकड़ेंगे जी हाँ देखिए म से मछली तो म ने पकड़ लिया मछली को अब मछली में म की आवाज़ तो आ ही रही है साथ में छ की भी आवाज़ आ रही है तो छ ने भी जो है वो मछली को पकड़ लिया तो मछली इसी प्रकार से अब आप देखेंगे ठ से ठेला और गठरी में भी ठ आता है अब आप देखेंगे न से नल और ना अ से अनार इसके बाद आप देखेंगे छ से छाता और न से नाव और अ से अलमारी तो इस प्रकार से आप भी मिलाएंगे और फिर इस प्रकार की तालिका बनाएंगे अब ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं जैसे ठेले में ठ आता है गठरी में ठ आता है मछली में छ और छाता में भी छ मछली में म अनार में अलमारी में भी अ नल में न और नाव में भी न आता है अब यहाँ मछली दो बार लिखा गया क्या किसी और चीज़ का नाम भी दो बार लिखा जा सकता है अगर आपको लगता है हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और नहीं तो क्यों नहीं ठीक है बच्चों अपने अध्यापकों को जरूर बताएं इसके साथ ही सभी बच्चे इस दूसरी वीडियो को भी देखेंगे जो इस वीडियो के साथ है और उसमें लेखन का अभ्यास करेंगे यानी लिखने का अभ्यास करेंगे ठीक है क्योंकि जब आपको लिखना आ जाएगा फिर आप पढ़ना भी सीखोगे और उसके बाद आप हिंदी में बहुत अच्छे हो जाओगे तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की वीडियो ज़रूर बताना आपका धन्यवाद जय हिंद मिलते हैं अगली वीडियो में